हेलो सप्लीमेंट वाला फैमिली। तो आज का व्लॉग होने वाला है वेरी स्पेशल, और आपके लिए मैं आज पूरी लोकेशन दिखाऊंगा कि 8 जनवरी को, रविवार 8 जनवरी को आपको गाजियाबाद में कहां आना है। तो आज हम पूरा व्लॉग बनाएंगे और दिखाऊंगा वहां पर क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और आपको पता भी लग जाएगा, जैसे कि मैं हर बार बनाता हूं कि एक आउटलेट, आप कहते हैं ना महीने में एक आधा आउटलेट ही क्यों खुलता है, क्योंकि ये आपका अपना आउटलेट है, फ्रेंचाइजी बेस नहीं है। मुझे सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना, और आपको पता लग जाएगा एक आउटलेट ओपन करने में पूरा मतलब जो है कितनी मेहनत लगती है, क्या लगता है, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। तो और भी मैंने जो है वीडियोस ऐसी बनाई हैं, जब गुड़गांव का ओपन हो रहा था तब गुड़गांव की बनाई थी, कानपुर वाली बनाई थी, अब गाजियाबाद वाली बना रहा हूं, देन पंजाब की तरफ भी चलेंगे, फिर पंजाब वाली बनाऊंगा। तो आज पूरी लोकेशन अपडेट हम करेंगे, तो चलिए चलते हैं हम गाजियाबाद की तरफ। तो दोस्तों हम चल दिए हैं, और यहाँ से अब हमारा जो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफर रहेगा, और गाजियाबाद में वैसे तो हम KGP KMP रोड से जाएंगे, तो जिससे हम मेरठ जाते हैं उसी वाले रोड से जाएंगे, तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट भैया बता रहे हैं कि भैया अंदर थोड़ा गाजियाबाद में जाम रहेगा, देखते हैं। चलो कोई नहीं, जितना भी जो भी जाम होगा मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हमारा सफ़र 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं पूरी लोकेशन आपको दिखाऊंगा पलवल से अब गाजियाबाद। 8 जनवरी को आना है आपको, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं अपना जो है जो KGP रोड है, इसी रोड से हम जो है मेरठ जाते हैं। आपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में और लोकेशन में देखा भी होगा, तो इसी रोड से अब हम जो है गाजियाबाद जाएंगे। 30 किलोमीटर पहले जो है कट पड़ेगा गाजियाबाद दादरी वाला, तो उधर से हम जो है मुड़ जाएंगे। तो 8 जनवरी को ध्यान रखना है, बाकी पूरी लोकेशन मैं अभी आपको दिखा दूंगा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे भाई आए, पूरी फैमिली आए 8 जनवरी को गाजियाबाद। दोस्तों ये आ गए हैं हम, और ये मेन गाजियाबाद सिटी है। हाँ ये गाजियाबाद सिटी लाल कुआ, तो ये लाल कुआ गाजियाबाद, और यहाँ से आपको जो ये देख रहे हैं सामने ऊपर जो है जो फ्लाईओवर है वो दिल्ली मेरठ वाला जो हाईवे है वो है, और हमको जाना है यहाँ से आपका शाहीबाबाद की तरफ, श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल। तो ये आ गया मेन अपना लाल कुआ जो चौक है, और ये जाना है अपना ये दिल्ली की तरफ, फरीदाबाद की तरफ, और हमको जाना है शाहीबाबाद की तरफ बिल्कुल सीधा। दोस्तों अब ये जो है यहाँ से मेट्रो स्टार्ट हो जाती है, और ये रहे अपना मेट्रो स्टेशन, और हमें जाना है श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन। ये है शहीद स्थल न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन, पर आप अगर भाई मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको आना है श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन। दोस्तों ये आ गए हम यहाँ पर जो ये हिंडन फ्लाईओवर और हिंडन नदी के पास। अब यहाँ से हमारी जो शॉप है वो ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर रह जाती है, बस 2-3 किलोमीटर, तो श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन याद रखना। और अगर आप गाजियाबाद आसपास से आ रहे हैं तो बढ़िया है यार, दिल्ली NCR में तो मेट्रो से अच्छा क्या है, तो श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन होता है। ये रही आपकी हिंडन नदी, ये फ्लाईओवर है उसी का ही। ये आ गया अर्थला मेट्रो स्टेशन, पर आपको याद रखना है कौन सा, श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन। और ये आ गया आपका मोहन नगर मेट्रो स्टेशन, इससे अगला है श्याम पार्क। तो दोस्तों ये आ गया आपका श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन, जहां पर अगर आप बाय मेट्रो आते हैं दिल्ली NCR से आ रहे हैं आप 8 जनवरी को, तो आपको इसी मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। ये है श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन। दोस्तों यहाँ आपको आना है श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 आप देख लीजिए, यहाँ गेट नंबर 1 से आपको चलना है किधर की तरफ, लाइक जैसे आप वहां से उतरे हैं सामने आपका फेस है, तो आपको राइट हैंड की तरफ चलना है, मतलब अपोजिट साइड चलना है, गेट नंबर 1 से उतरकर अपोजिट साइड रोड पर चलना है आपको, और तीसरी गली है मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों अब यहाँ से हम चलेंगे अपोजिट साइड, थोड़े रोड के साथ साथ चलना, मतलब किनारे किनारे, बीच रोड पे नहीं चलना बिल्कुल भी। तो तीसरे नंबर की गली है, देख रहे हैं ये यहाँ से पहली गली जा रही है, आप देखें ये सड़क जा रही है। अब यहाँ से हमको चलना है सीधा, बस यहाँ से ऑलमोस्ट 150-200 मीटर है, सिर्फ 150-200 मीटर आगे है आपका अपना सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट, जहाँ 8 जनवरी को आपको आना है। तो यहाँ ये आ गई है आपकी सड़क नंबर 2, तीसरी नंबर की सड़क, ध्यान रखना 8 जनवरी को मैं आपका इंतजार करूंगा, और सारा इंतजाम भाइयों का कराऊंगा, वेलकम सारी चीज़ें मालाओं के साथ। तो यहाँ से हमारी 2 गलियाँ निकल गई, 2 सड़क जो कि राइट हैंड साइड की तरफ हैं, और तीसरे नंबर की सड़क है आपकी सप्लीमेंट्स विला के लिए, और 150-200 मीटर, पर ध्यान रखना है आना जरूर है आपको, क्योंकि गाजियाबाद और श्याम पार्क मेट्रो से आएंगे तो बढ़िया रहेगा, जाम भी नहीं मिलेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। सुबह 10 बजे मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, और 1x1 सारे भाइयों को मालाओं से स्वागत, गिफ्ट सारी चीज़ें आपको बताइए, क्योंकि आपका अपना आउटलेट है, फ्रेंचाइजी बेस नहीं है। तो ये आ गई आपकी तीसरे नंबर की सड़क, राइट हैंड साइड पे तीसरे नंबर की सड़क ये, और यहाँ से फिर आपको चलना है
आगे की तरफ ये चलेंगे आप यहाँ, ठीक है, राइट हैंड साइड में तीसरे नंबर की सड़क में मुड़ के, अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर आगे राइट हैंड साइड पर ही शॉप है, सिर्फ 50 मीटर आगे। अभी बोर्ड वगैरह नहीं लगे हैं, काम चल रहा है, तो जब लग जाएंगे जब आप पहचान भी जाएंगे। और ये रही अपनी शॉप बस 50 मीटर आगे, जैसा कि मैंने कहा था, वो रही अपनी सामने शॉप। पूरा काम यहाँ पे चल रहा है और ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे ये काम। तो ये है अपनी शॉप सप्लीमेंट्स विला, ये देख रहे हैं आप, ये रही। तो यहीं मिलूँगा मैं आपको, और शॉप मैंने इस बार भी जो है थोड़ी बड़ी ली है कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए वेलकम करने में। सारे भाई आराम से कंफर्टेबल बैठे, आराम से लगे कि हाँ भाई गए हैं हम अपनी ही दुकान के उद्घाटन में। तो आना है आपको, मेरे लिए सेलिब्रिटी आप हैं। लोकेशन आपने फाइनल समझ ली है ना, श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन से आपको ऑपोजिट साइड चलना है और तीसरे नंबर की जो सड़क है उसमें आना है, और उसी पे सीधे हाथ की तरफ तीसरे नंबर की सड़क, और 50 मीटर आगे चल के तीसरे नंबर की सड़क पे आपको राइट हैंड साइड पर ही ये शॉप मिल जाएगी। अभी बोर्ड वगैरह नहीं लगे हैं, लग जाएंगे जल्दी। तो लोकेशन आपके दिमाग में फिट हो गई है ना, नहीं हुई है तो कमेंट करके पूछो, फिर बताऊँगा, क्योंकि गूगल मैप पर लोकेशन अभी अपडेट होने में 10-15 दिन लग जाएंगे। तो मिलते हैं हम 8 जनवरी को, कौन कौन आएगा कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि आपके अपना आउटलेट की ओपनिंग है और सबको आना है, ये चीज़ ध्यान रखना, आप सब आएंगे। गाजियाबाद की आप ही की डिमांड थी तो इसलिए पहले गाजियाबाद। तो 8 जनवरी को मिलते हैं हम यहाँ पर रविवार को सुबह 10 बजे, सप्लीमेंट्स विला आउटलेट गाजियाबाद। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कितनी मेहनत लगती है यार एक आउटलेट के ओपनिंग में और सारी चीज़ करने में, इसलिए महीने में एक आध आउटलेट ही ओपन हो पाते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पर ना आपकी सेहत का भी ख्याल रखना है। फ्रेंचाइजी बेस नहीं, आपके अपने आउटलेट से सारे, गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं रखने दूंगा। तो अब इसके बाद जो अगला आउटलेट कहाँ ओपन होगा वो कमेंट करके बताओ, और 8 तारीख को तैयार रहो।